हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग हिस्ट्री के 12वें चैप्टर औपनिवेशिक शहर और नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वीडियो के लास्ट में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इतने क्वेश्चंस तो आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि अब जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको निश्चित रूप से याद होने ही चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, अब जो है आपका केवल 3 चैप्टर बचा है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद से अगले दिन से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस ख़त्म होंगे, उसके बाद आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारे चैप्टर का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको निश्चित रूप से पहले ही खबर कर दी जाती है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं, और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है, किस तरह से मार्क्स ऊपर आएंगे, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी वहाँ से। तो वहाँ निश्चित रूप से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है आज का, बम्बई को ब्रिटेन इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को कब दिया था? तो बम्बई को ब्रिटेन के जो राजा थे उनको कंपनी को कब दिए थे? तो वो जो है आपका 1661 ईस्वी में, ये जो दहेज में पुर्तगालियों से बम्बई मिला था इनको, ठीक है। जेम्स इसी तरह से जेम्स कुछ करके नाम था उनका, तो वहाँ जो है उनको दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था, उन पुर्तगालियों के पुर्तगाल के राजकुमार से शादी के बाद बम्बई उनको मिला था, तो उनको दहेज में मिला, और उन्होंने 58 साल बाद 1661 में जो है कंपनी को दे दिया कि आप लोग शासन करो, मतलब वहाँ पे अपना व्यापार करो। चलिए नेक्स्ट है कि सिविल लाइसेंस में बसाया गया, तो सिविल लाइसेंस में क्या बसाया गया? तो गोरों को। नेक्स्ट देखिए, हिल स्टेशन का विकास किया गया, तो हिल स्टेशन का विकास कब किया गया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कि उपरोक्त सभी है यहाँ पे आंसर, सीमा की निगरानी के लिए, शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए, और सैनिकों को ठहराने के लिए जो है हिल स्टेशन का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दार्जिलिंग को सिक्किम के राजाओं से छीना गया था, तो दार्जिलिंग को सिक्किम के राजाओं से कब छीना गया? तो 1865 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला विकसित किया गया हिल स्टेशन था, तो पहला जो विकसित किया गया हिल स्टेशन था वो कहाँ था? तो वो जो है आपका शिमला में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा वास्को डी गामा कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में। और कभी कभी आपको जगह का नाम पूछ लेता तो याद रखिएगा कि कालीकट, क्या नाम था? कालीकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया था, तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है आपको 1872 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास आकर बसे, तो यहाँ पे जो आकर बसे थे वो 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई मूलतः गांव थे, तो यहाँ पे जो है आपका बुनाई के और मत्स्य ग्रहण के, तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट है या थोड़ा सा आपको याद होने में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो पॉज करके फिर से देख लो, या फिर एक दो बार वीडियो को देख लो, ताकि आपको निश्चित रूप से याद हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है 1761 में, और दो बार वीडियो देखने के बाद भी नहीं याद हो तो जाइए प्लीज़, बादाम खाइए आप लोग, ठीक है, ताकि दिमाग थोड़ी सी तेज हो। नेक्स्ट है, लॉटरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो लॉटरी कमेटी की जो स्थापना है वो 1817 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम सूती मिल जो है आपको बम्बई में स्थापित हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है थोड़ा सा,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने किस स्थान को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? ठीक है, तो ये जो है गोवा को, ठीक है, गोवा, गोवा को आपको पता होगा कि गोवा को बाद में अंग्रेज, सबसे बाद में आज़ादी मिली पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पलासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो पलासी की लड़ाई में जो है आपको नवाब सिराजुद्दौला की जो है हार हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड बेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना, तो कब बने थे ये भारत के गवर्नर जनरल? आपको पता होगा 1758 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि कलकत्ता में फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित किया गया था तथा मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया था। तो मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य कब बनाया गया? 1836 ईस्वी में। आप पुराने जो घर देखते होंगे, बहुत बहुत पुराने घर, उसमें अभी देखते होंगे कि लकड़ी डाल के उस पर ईंट का छत बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो आपको जो है पिछले चैप्टर में भी मैंने बात की थी इस बारे में, तो 1861 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किसके स्वागत में हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत में हुआ था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस बनवाया गया था, तो कलकत्ता में जो गवर्नमेंट हाउस बनवाया गया वो लॉर्ड बेलेजली ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बम्बई का जो टाउन हॉल है वो कब बना था? तो बम्बई का टाउन हॉल 1833 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1833 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, और इन गेटवे ऑफ इंडिया भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पलासी की लड़ाई हुई थी, तो पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, ये पलासी की पहली लड़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर को खोला गया था, तो स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो फ्रांस, देखिए फ्रेंच जो है अपना व्यापारिक केंद्र आपको पांडिचेरी में बनाया था, जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि और आज का जो है लास्ट भी क्वेश्चन है, तो बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया तथा ताजमहल होटल निम्न वास्तुशैली का उदाहरण है, तो किस वास्तुशैली का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे? तो परंपरागत गुजराती शैली से जो है ये दोनों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज जो है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कल नई वीडियोज़ के साथ। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियोज को शेयर कीजिए, आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह से जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे आप इसका लिंक जो है शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।